श्रोताओं, आज की पहेली लिए हमने श्रीमान पवन यादव जी की एमपी सिवनी जिला लखनादौन शिकारा ग्राम से हैं। ये जय श्री राम लिखते हैं। सबसे पहले इनकी पहेली इस प्रकार है, बेटा बड़ो है बाप से, नाती है अनमोल, जिनके सुत ऐसे भे, बिक गए माटी मोल। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा करके सबसे पहले हमारी ज्ञानात्मक वीडियो प्राप्त करें। तो श्रोताओं, कई दिनों के बाद आज हम एक पहेली लेकर उपस्थित हुए हैं और अब हम प्रयास करेंगे एक पहेली रोज हमारे चैनल पर आएगी। तो श्रोताओं, श्रीमान पवन यादव जो कि एमपी मध्य प्रदेश के सिवनी जिला लखनादौन शिकारा गांव से हैं, पहेली बहुत ही सुंदर पूछी है। बेटा बड़ो है बाप से। पहली बात तो बेटा बाप से बड़ा हो ही नहीं सकता, असंभव है। नाती है अनमोल, फिर नाती को अनमोल बताया है इन्होंने और ये कहा है कि जिनके सुत अर्थात उस नाती के जो पुत्र हुआ वो ऐसा हुआ कि वो माटी मोल बिक गया, बिक गए माटी मोल। अर्थात बेटा तो बाप से बड़ा है और नाती अनमोल है और जो नाती है उसका पुत्र ऐसा हुआ कि वो माटी के भाव में बिका। आखिर हमने इस पहेली को वेदों में लगाने की कोशिश की लेकिन ये पहेली वेदों में नहीं लग सकती। तो फिर हमने इस पहेली को गुड़ में लगाने की कोशिश की। हाँ, एक सामान्य स्थिति में इस पहेली को लगाया जा सकता है। तो श्रोताओं, ये पहेली हमारी बैठती है दूध के ऊपर। बेटा बड़ो है बाप से, हम भैंस के से या गाय से दूध निकालते हैं। दूध अपना पुल्लिंग शब्द है। तो बेटा बड़ो है बाप से, बाप हो गया दूध और दूध से बड़ा माना है दही, क्योंकि दही में कुछ अतिरिक्त गुण माने जाते हैं। दूध से ही उत्पन्न होता है दही। बेटा बड़ो है बाप से, अर्थात दूध से बड़ा दही होता है। नाती है अनमोल, अब दही को जब हम मथने की क्रिया करते हैं तो उस दौरान घी निकलता है। घी अनमोल होता है, आखिर घी को कौन बेचना चाहेगा? बहुत कम लोग ही बेच पाते हैं, इसलिए घी तो अनमोल ही होता है। बेटा बड़ो है बाप से, अर्थात दूध से बड़ा दही, लेकिन नाती है अनमोल, अब दूध का नाती कौन हो गया? घी। घी अनमोल होता है। जिनके सुत ऐसे भई, बिक गए माटी मोल। अब घी का पुत्र, घी जब निकलता है दही से तो छाछ पैदा होती है। छाछ को घी का पुत्र माना गया है क्योंकि कभी कभी लौनी घी के अंदर छाछ रह जाती है। तो छाछ का उद्भव घी से है। तो जिनके सुत ऐसे भई, अर्थात घी दही से मथने की प्रक्रिया हुई तो घी हुआ,
छाछ पैदा हुई। तो जिनके सुत ऐसे हुए जो बिक गए माटी मोल, अर्थात छाछ की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती, छाछ तो माटी के मोल ही मिलती है। हालांकि आजकल थोड़ा भाव छाछ का बाजारों में अच्छा है, लेकिन गांव में तो छाछ की कोई कीमत ही नहीं होती। वैसे ही पड़ोसी को दे देते हैं या छाछ को फेंक देते हैं या भैंस के बांट में डाल देते हैं, तो इसलिए छाछ की कोई वैल्यू नहीं होती। एक बार पुनः पहेली का अर्थ आप दोबारा से सुने। बेटा बड़ो है बाप से, अर्थात दूध से बड़ा दही होता है। नाती है अनमोल, और दही की जब मथने की प्रक्रिया की जाती है तो घी निकलता है, और घी हो गया नाती। नाती है अनमोल, जिनके सुत ऐसे वही, और उनका सुत कौन? छाछ। छाछ ऐसी हुई कि बिक गए माटी मोल। वो तो माटी के मूल ही बिकती है, मिट्टी के मूल ही बिकती है। इस प्रकार से पहेली का अर्थ लग चुका है। बोलो जय श्री राम।